योगी सरकार का एंटी रोमियो दास्ता केवल कागजों में ही है दर्ज। सोहदे बेखौफ होकर छड़खानी को देते हैं अंजाम। श्रावस्ती, योगी सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो और अपराध को जड़ से खत्म कर देने का दावा कर रही हो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चला रही हो, वहीं अगर दूसरी ओर श्रावस्ती में देखा जाए तो यहां के अध्यापक ही सरकार के अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं और छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला श्रावस्ती का सामने आया है, जहाँ पर भिनगा में अलछेंद्र इंटर कॉलेज का है, जहाँ पर अध्यापक ही वहन सीपन हरकत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मुख्यालय भिनगा में अलछेंद्र इंटर कॉलेज के कक्षा 6 की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आ रहा है। जिस तरह से सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान युद्ध स्तर पर चला रही है, पर जब ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले गुरु ही इस तरह से छात्रों के साथ पेश आ रहे हैं, तब इस मिशन के पूरी होने की उम्मीद मात्र कल्पना ही दिखाई दे रही है। अलछेंद्र इंटर कॉलेज के सचिव शिव पूजन सिंह ने 11 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। जब अध्यापक ही इस तरह कर रहे हैं तो बेटी पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, यहां पर ज्ञान देने वाले ही राक्षसों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये कक्षा 6 की छात्रा है, उसका उम्र 12 साल है और 3 नवंबर को राजमाता जन्म दिवस का कोई कार्यक्रम था, उस पर उसने कार्यक्रम में भाग लिया था और उस कार्यक्रम में जो है बच्ची को करीब 8 बजे रात में विद्यालय नाम तो श्री अलछेंद्र कॉलेज विद्यालय की छात्रा है और देर रात हो गया तो कुछ अध्यापक क्लास टीचर से और किसी अध्यापक से कहा तो वो लोग जो है लड़की को भेजने के लिए तैयार हुए। तो शिव पूजन सिंह वहाँ विद्यालय के सचिव हैं, उन्होंने कहा हम ले जाकर, आप लोग क्यों जाएंगे, हम ले जाकर छोड़ देंगे। तो जो है ले गए तो लड़की को उसकी हत्या कर देने की धमकी देते हुए उसके साथ जो है छेड़छाड़ किया, उसको आलिंगन और चुंबन किया। तो लड़की ने रो रो करके जो है अपने जो है माता से बहनों से बताया। उसके बाद जो है माता बहनें भी छिपाए हुए थे। 4-6 दिन के बाद जो है फिर ये बाल मेला पड़ा तो उस दिन कुछ ऐसे बातचीत का प्रसंग आया तो लड़की ने अपने जो है फिर बहन से बताया तो हम लोगों को सब सारी जानकारी हुई। तो हमारा लड़का जो है 23 दिसंबर को जो है उन्होंने FIR दर्ज कराया। इसके बाद आज तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो रही, करीब 15 दिन हो गया, कोई झांकने नहीं गया। ये जो लड़की थी इसकी उम्र कितनी है? लगभग करीब 12 साल का है, 12 साल से कम ही होगा। अच्छा 12। और जो बता रहे हैं जो कारनामे किए हैं वो उनकी उम्र मास्टर साहब उम्र लगभग 60 साल होगा। 60 साल, ये बताइए। हम आपको श्रावस्ती की निंदनीय तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता भी है या मूक दर्शक बनकर देखता ही रहेगा। जब जनपद के SP ही इस तरह के बयान दे रहे हैं तो श्रावस्ती के SHO पर अब कार्रवाई करेंगे। योगी सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन श्रावस्ती का प्रशासन व्यवस्था बहुत ठुलमुल रुक कर अपना रहा है, ऐसे में दोषियों का मनोबल बढ़ रहा है। अब वो राजमाता का गेम का वो था टूर्नामेंट, तो हम गए थे उसमें टूर्नामेंट में खेलने तो राजमाता ने वो दिया था सब मेडल वगैरह, तो वहाँ पर 8 बज गया तो हमने अपने प्रिंसिपल से बोला कि चलिए हमें छोड़ दीजिए, तो उन्होंने श्री पूजन सिंह ने कहा कि कोई छोड़ने ना जाए, हम जा रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ तक कल अपने घर तक पैदल लेके गए, फिर वहां से लाए यहाँ तक मोड़ तक, फिर छेड़छाड़ करने लगे। फिर थोड़े तब तक थोड़ी देर बाद उन्होंने जो आदमियों को देखते आते देखा तो वो लेकर चल दिए घर। तब हमने अपने मम्मी को और दीदी को देखा रास्ते में, तब कहा कि तब वहीं पर हमें छोड़ के फिर से चले। वहीं अगर दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी अज्ञान बना बैठा है। जब घर वालों ने SP श्रावस्ती को लिखित शिकायत देते हुए न्याय की गुहार लगाई, लेकिन SP ने सिर्फ आश्वासन ही दे दिया। जब पीड़िता के परिवारजनों ने कार्रवाई की बात की गई तो SP ने सीधा बताया कि यहाँ पर आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं तो और इंतजार कर लीजिए, हम देखते हैं आगे क्या होता है। मिलने आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। मेरे द्वारा SHO भिनगा और CO भिनगा को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई करें और जांच करके
जो भी इसमें विधिक कार्रवाई शेष है पूरी करके इसमें शीघ्र ही इसमें कार्रवाई करें। तो कब तक उम्मीद की जाए कि इनको जो है गिरफ्तारी करके और कार्रवाई कर दी जाएगी? उसकी मतलब चूंकि जांच करी जा रही है, सचिव बिंदा ने बताया कि अभी उसमें कुछ कार्रवाइयां शेष हैं, तो मेरे द्वारा उनको बताया गया है शीघ्र ही 164 के बयान करके और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उस आधार पर शीघ्र कार्रवाई करें। वो इंटर कॉलेज है अलेक्जेंडर, जहाँ पे वो प्रबंधन समिति में सचिव है। एक छोटी सी बालिका है जो वहाँ पे उनके स्कूल में थी, करीबन 10 से 11 साल की बिटिया है, कक्षा 6 की छात्रा है वो। उसके साथ उसने छेड़खानी की, उस छेड़खानी के उस पे जब उसके भाई को पता चला तो उसने यहाँ पे FIR दर्ज की है। FIR इतने 23/12 को हो चुकी है, उसके बाद भी निरंतर वो प्रयासरत है, लेकिन अब यहाँ की पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे लगातार ये लगा। और दूसरी बात, आप लोगों के समक्ष मैं यहाँ पे हूँ और ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के अगर भेड़िए यहाँ जमा यहाँ घूमते रहेंगे तो कोई भी बच्ची नहीं सलामत रहेंगे। इस तरह के स्कूल में कौन से किस स्कूल में इस तरह की बेटियां अपनी बेटियां भेजने का काम करेगा जहाँ पे उसकी बेटियां खुद सलामत नहीं है? आप लोग खुद बताइए। मैं आपके माध्यम से SP साहब से मुलाकात की, क्या कहें? SP साहब से हम आए, उनसे मुलाकात की, उनके बारे में बताया कि अगर इतने टाइम से यहाँ पे FIR हो चुका है, इसके बाद भी अगर आपको किसी की जरूरत हो गया FIR, करीबन 1.5 महीना हो गया है, 1 से 1.5 महीना करीबन हो गया, वो कोई षड्यंत्र नहीं है, उस पर जाके मिले, उनसे बात करें, उस बिटिया से बात करें, जब वो रो रो के बताएगी तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आखिर क्या है। और मैं नहीं चाहता हूँ इतना लचर व्यवस्था रहे। अजय, SP साहब ने कब तक कार्रवाई की बात की? समय नहीं, अभी समय नहीं बताया, उन्होंने कहा हम जांच करेंगे। देखना यह है कि मुख्यमंत्री जी जनपद के सुस्त प्रशासन पर क्या कठोर निर्णय लेते हैं। उत्तर प्रदेश ब्यूरो, दुष्यंत सिंह वर्मा की खास रिपोर्ट। दिन भर की लेटेस्ट जानकारी के लिए, अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए।